मुझे बोलो और प्राइवेट थोड़ी सी सर थैंक यू सो मच। और सभी को बताना है, जितने भी गांव में है ना, जितने भी दूसरे गांव में, सभी को अपने फ्रेंड सर्कल को बताना है कि ये बहुत ही बेस्ट चीज है और इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आजकल जो है ना जो लड़की जो है वो सबसे टॉपर जा रही है और उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है ना। देखो अगर आपने पूरे भारत में जो है लड़कियों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, जो बच्चे जितने भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो देखो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जितनी लड़कियां देखो आगे टॉपर आ रही हैं, तो इसमें अगर मतलब अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेते हो ना, तो इसमें आपका जो है ना बोलने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको, तो उनको बताना है जी। ठीक है, इसमें मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं मतलब इसमें जाने में हमें मतलब प्रॉब्लम आएगी, मतलब हम लड़की हैं, आजकल कोई भेदभाव नहीं है, लड़की और लड़कों का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, हर एक काम कर लड़की कर सकती है हर एक चीज़। और मैं मतलब मेरी सोच ये कहती है कि लड़की जो है वो लड़कों से आगे टॉपर जा रही हैं, क्योंकि मेहनत भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं और मतलब जॉब वगैरह वो भी करती हैं। ठीक है, और किसी को बताना है कुछ, कोई बताना चाहता है कोई आगे आकर है कोई बताने के लिए? चाहते हैं कि हमें यहाँ पर बड़ा हॉल मिले और मैट्स और जो भी इक्विपमेंट मतलब होने चाहिए वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो हम सर से कह रहे हैं, अपने गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें ये सारी फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड शाबाश। जाफर जो हमें मतलब आपने इनवाइट किया। और दूसरा ये कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो आए हैं, जो इनके माँ बाप को और इनके जो सीनियर जो इनके गांव के जो मेन जो उनके जो मेन हेड हैं, सरपंच हैं या जो भी मेन हेड हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। जैसे ये बच्चे हैं ये मतलब आगे पार्टिसिपेट करें मार्शल आर्ट में, जैसे ये मतलब लड़कियाँ हैं लड़के हैं वो इस चीज़ में आने चाहिए। इन बच्चों को पता लगना चाहिए कि ये जहाँ पर अभी मतलब एक एकेडमी खुली है तो इस एकेडमी में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ये बच्चे छोटे छोटे आगे मतलब बढ़ेंगे तो तभी जो है भारत का नाम ऊंचा रहेगा। तो इस क्या आपको लगता है बढ़िया मतलब ये इसमें मतलब आने से बढ़िया रहेंगे, क्योंकि इसमें मतलब हिस्सा लेंगे तो जो नई पीढ़ी आएगी वो जागरूकता होगी, नई पीढ़ी आएगी वो जागरूकता होगी। ये जो ड्रग्स के मामले में जैसे ड्रग्स में लग जाते हैं, ये बुरी आदतों जो लग जाते हैं, इनमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, एक फिजिकल फिटनेस है
और जो है नई जनरेशन को सीखने का मौका होगा। इसमें सभी सभी के लिए बारे में सोचा जाएगा। और प्लस जो मेन मेन होता है कि जो सीनियर जो है ना, जो गांव के सीनियर होते हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनको पूछा जाएगा कि जो भी चीज़ की सहूलत है उनको दी जाएगी। तो मतलब जो आप बता रहे हैं, जैसे ये इस काम को करने से ये बेस्ट रहेगा कि सभी को सिखलाई मिलेगी, पूरे भारत को सिखलाई मिलेगी और वर्ल्ड को सिखलाई मिलेगी। जैसे कि अभी देखो कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया है, अभी कश्मीर को भी ये मौका मिल रहा है कि इस कंपटीशन को मतलब आगे लेके बहुत जा रहे हैं। जो बता रहे थे अभी मेरे को, जो हमारे लड़के जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं, तो यही चीज़ है कि इनकी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए सभी को। ओके, थैंक यू। पहले मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ अपने आशिक सर को। फिर मेरी शुरुआत हुई कि मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, तो मैंने एक लड़की को देखा जिसका नाम मलिक सबकत है। मैंने उसको देखा कि उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैंने बोला कि मैं भी ये कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने आशिक सर से बात की, मैं भी आ सकती। इसने बोला हाँ, क्यों नहीं आ सकती। फिर मैंने ज्वाइन किया आशिक मार्शल आर्ट अकेडमी। तो मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक रहती है। तो क्या लगता है आपको? कहना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ डिफिकल्ट होती है, इसलिए उनको मतलब इस डिफिकल्ट लाइफ को मतलब आगे बढ़, मतलब उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर, मुझे इसमें अपना फ्यूचर दिखाई भी देता है। इसमें हमें सेल्फ डिफेंस होते हैं, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इससे बहुत से मतलब हमें फायदे मिले। जितकंडू से हमें वहाँ पे सेल्फ डिफेंस ज़्यादा से ज़्यादा इसी में मतलब लगाते हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। मतलब हम आज घर में हैं, लेकिन कल को मुझे अलेवंथ में, मुझे आज मैं टेंथ में हूँ, मुझे अलेवंथ में बाहर जाना पड़ेगा के लिए। वहाँ मेरे मम्मा पापा साथ नहीं होंगे, मुझे वहाँ पे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। बताइए। जी, मेरा नाम इर्तिका है। और आप किस एकेडमी से? मैं अजहर मार्शल आर्ट एकेडमी से हूं। तो आप गोल्ड जीत कर आई है, क्या फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब मैं घर से निकली तो मैं चाहती थी कि मुझे अचीव करना है गोल्ड मेडल। तो जब मैं वहाँ खेली गई थी, पहले भी बहुत नर्वस हुई, जब मैंने खेला वहाँ पर अच्छे से, फिर मैंने अपना गोल्ड मेडल हासिल किया। पहली बार आप स्टेट से बाहर निकली, तो क्या लगता था? कोई डर महसूस होता था? ना, बिल्कुल नहीं। हमें अजहर सर ने हमेशा सिखाया कि आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि हम ये ऐसी गेम खेलते हैं क्योंकि जिसमें वेपन्स यूज नहीं होते, विदाउट वेपन्स हम फाइट कर सकते हर किसी चीज़ से। डिफेंस में मैं बोल रही हूँ ना कि पहले मैं बहुत नर्वस, फिर जब मैं आगे बढ़ी, मतलब मैंने अच्छे से खेला, फिर मुझे डर नहीं लगा। क्या लगता है आप? वहाँ से आई, जीत के आई। घर वालों को भी अब मुझ पर बहुत प्राउड है कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। जैसे कि मेरे पापा, आई लव माय पापा, उसने मुझे कभी नहीं रोका, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। अजहर सर ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, और वो जहाँ पर भी है मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। आई लव यू अजहर सर, थैंक यू फॉर, आपने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और सीख रही हूँ। आप कितने देर से इस एकेडमी में? 5-6 महीने। कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो करती हूँ कि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, इस एकेडमी में आओ, मार्शल आर्ट सीखो, एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का मतलब ज़माना बहुत ख़राब है, इसीलिए एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत हमें अच्छे से सिखाते भी है, बहुत अच्छे। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुसाय मलिक है। आप कहाँ से? मैं अछावल से ताल्लुक़ रखता हूँ। किस एकेडमी से आप? मैं अजहर मार्शल आर्ट एकेडमी से हूँ सर। यहाँ पर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम अच्छी तरह ट्रेनिंग कर पाए। हमारा गुड नेम मुस्कान महराज। किस एकेडमी से आप? अजहर मार्शल आर्ट एकेडमी। अच्छा, गोल्ड जीत कर आई है? जी। क्या फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं बहुत खुश हो रहा है। आपके लिए या पूरे कश्मीर के लिए? पूरे कश्मीर के लिए। तो आपके पापा आपको सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। मम्मा सपोर्ट करती है? घर में सब सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि अजहर सर के तक मैं एक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि वो, उसने हमें बहुत आगे लिया। हम गुजरात से आए, हम खेल रहे हैं, हमने 10 गोल्ड मेडल निकाले हैं और हमें प्राउड है अपने आप पे कि हमने 10 गोल्ड मेडल निकाले हैं। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। हम दोनों थे, अजहर साहब और मैं भी। अजहर साहब कुछ काम के लिए बहरीन गए हैं, अब तो मैं ही यहाँ पे रहता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ यहाँ पे। तो परसों हमें लेटर आई थी कि NFC गुजरात में नेशनल नवसरी फाइटिंग चैम्पियनशिप वहाँ पे थी नेशनल लेवल की, तो उन्होंने हमें बुलाया कि हम यहाँ पे आ जाओ। हम अपनी टीम लेके गए गुजरात नवसरी में,
तो वहाँ तो काफ़ी सारी टीमें आई थी, 4 कंट्रियाँ थी और 14 स्टेटें थी, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 गोल्ड मेडल वहाँ से निकाले, तो हमें फ़ख्र है अपनी ट्रेनिंग पर और अपने स्टूडेंट्स पर। हमने 10 गोल्ड वहाँ से लाए। आज आए थे अफगानिस्तान के कुछ थे, रशिया के कुछ आए थे वहाँ पे खेलने के लिए, तो स्पेशली हम अपनी कश्मीर के गए थे यहाँ से। हम एक टीम ना पूरी कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, हमने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड वहाँ पे भी मिला, रेस्पेक्ट वहाँ पे मिला। गेज में वो फेस करना पड़ा उनको, काफ़ी सारे तेज़ फाइटर्स थे वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से अचीवमेंट हासिल की। काफ़ी कंट्रीज़ के वहाँ हमारी मैसेज यही है बच्चों को कि पेरेंट्स को भी कि यहाँ पे आए अजहर मार्शल आर्ट एकेडमी, यहाँ पे आए ट्रेनिंग लें और अपना फ्यूचर बनाएं, आगे जा सके। इनका प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी अब मतलब रेडी किया है, स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अब ये विनर अगर कंटिन्यू रहे हमारे लड़के, इंशाल्लाह यूएफसी में भी इनकी एंट्री मिलेगी सर।